के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 26 सितंबर को अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करेंगे सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, एम्स का निरीक्षण के साथ गीता वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। संपत्ति बंटवारे के विवाद में भाई ने की चचेरे भाई की हत्या, मामला बांस गांव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 का। एसपी साउथ ने कहा हत्या आरोपी को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। अपर जिलाधिकारी नगर की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक, त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश, कहा त्योहारों में खलल डालने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन गरल के तहत शाहपुर पुलिस ने 60 लीटर कच्ची अवैध अपमिश्रित शराब, 2 किलो यूरिया व 600 ग्राम नौशादर के साथ 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सीओ गोरखनाथ प्रवीण सिंह ने कहा आगे भी जारी रहेगा अभियान। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की मासिक समीक्षा बैठक, बाल संरक्षण और यौन शोषण के मुद्दों पर हुई चर्चा। आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड बनाने में प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंचा गोरखपुर, योजना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर निर्माण पीएन राय को मिला पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक का भी पदभार, किया पदभार ग्रहण। महानगर समाजवादी पार्टी यू जन सभा के जिला निर्वाचन अधिकारी को संबोधित सौंपा ज्ञापन, लगाया मतदाता सूची सत्यापन एवं नामों को जोड़ने में बीएलओ के लापरवाही का आरोप। 25 सितंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय रंग नारायण पांडे की पुण्यतिथि पर आयोजित की जाएगी श्रद्धांजलि सभा, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, महापौर, पूर्व सांसद होंगे शामिल। और दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ द्वारा मनाए जा रहे एकात्मता सप्ताह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लेकर आयोजित की गई परिचर्चा।